हेलो फ्रेंड्स, तो मैं हूँ सुरेन। आज हम आपको बताएंगे जो एजुकेशन सेटअप होता है उसके बारे में। तो जो एजुकेशन सेटअप होता है वो बिल्कुल लो बजट में बताएंगे आपको, बिल्कुल ज़्यादा पैसा नहीं लगेगा। और आपको हम क्वालिटी दिखा देते हैं जो हम सेटअप कर रखा है अभी हमने, बिल्कुल लो बजट वाला। इसे कहते हैं कॉर्निया। कॉर्निया के अंदर होके ही प्रकाश प्रवेश करता है, कॉर्निया के अंदर होके ही प्रकाश प्रवेश करता है। ये एक पारदर्शी क्या है, एक पारदर्शी भाग है जो हमारे आँख है उसके जो साइड का भाग है वो पारदर्शी भाग है। जैसा कि आपने ये वीडियो क्वालिटी देखी, हम मोबाइल से एडिट करते हैं, मोबाइल से शूट करते हैं और मोबाइल से ही अपलोड करते हैं, तो आप मोबाइल की क्वालिटी देख सकते हैं। तो आपको एजुकेशन सेटअप में कौन कौन सी चीज़ें की आवश्यकता पड़ेगी वो सब बताएंगे आपको, इसी एक वीडियो में बिल्कुल क्लियर कर दिया जाएगा। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइज, हमने जो सेटअप कर रखा है वो आपको आगे वीडियो में बता दिया जाएगा कैसे सेटअप कर रखा है हमने, क्या क्या लगा रखा है, क्या क्या नहीं लगा रखा। लेकिन हम उससे पहले आपको सब चीज़ें बता देते हैं कौन कौन सी चीज़ें की ज़रूरत तो आपको पड़ती है। तो फर्स्ट नंबर पे आता है मोबाइल। मोबाइल आपके पास बेस्ट मोबाइल होना चाहिए, जितना अच्छा मोबाइल होगा उतनी अच्छी क्वालिटी आएगी। तो अभी हम रेडमी 9MX से करते हैं शूट, उसका 64 मेगापिक्सल कैमरा है। तो आपको सबसे मेन बात पर ध्यान देना है, मोबाइल अच्छा होना चाहिए, ठीक है। सेकेंड नंबर पर आता है आपका माइक। माइक आपको कौन सा रखना है आपके हिसाब से रख सकते हो। अगर क्वालिटी बेस्ट देनी है तो माइक होना ज़रूरी है। मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट माइक होता है बोया माइक। ये करीब 700 या 800 रुपये का आता है, वो आप परचेज कर सकते हैं। मैं सबका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप बाई कर सकते हैं। थर्ड नंबर पर आता है आपका ट्राईपोड। ट्राईपोड आप कैसे भी ले सकते हैं, मैंने डिजिटेक का ट्राईपोड ले रखा है। अगर आप जैसा भी ट्राईपोड लेना चाहें वहाँ से बाई कर सकते हैं, ऑनलाइन ही परचेज कर सकते हो या ऑफलाइन भी परचेज कर सकते हो। मैंने इसका भी नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से आप बाय कर सकते हैं। चौथे नंबर पर आता है बोर्ड, वो सब आपको पता ही है। पाँचवें नंबर पर आता है लाइटिंग। अगर आपका रूम बाहर की तरफ है, थोड़ा नेचुरल लाइट आ रही है खिड़की से, तो आपको लाइटिंग की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं ऐसी सेटिंग बताऊँगा जिससे आपको लाइटिंग की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपका रूम थोड़ा अंदर की साइड है तो आपको लाइटिंग की ज़रूरत ज़रूर पड़ेगी। तो मैं भी लाइटिंग में बता दूंगा आपको कैसी रखनी चाहिए कैसी नहीं रखनी चाहिए। अब आता है मोबाइल से शूट कैसे करें, एडिट कैसे करें। तो शूट करने के लिए ओपन कैमरा आप डाउनलोड कर लीजिएगा प्ले स्टोर से, मैं आपको आगे बता दूंगा ओपन कैमरे में सेटिंग क्या रखनी चाहिए, ठीक है। और अगर आपको वीडियो अपलोड करनी है तो एडिट करने के लिए पावर डायरेक्टर, काइन मास्टर, बहुत सारे ऐप है, लेकिन सबसे बेस्ट रहता है काइन मास्टर। इसमें बहुत सारे फीचर्स रहते हैं और सबसे सिंपल भी पड़ता है एडिटिंग के लिए, तो आप काइन मास्टर यूज कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अपलोड करनी है तो वीडियो अपलोड के लिए तो काइन मास्टर ठीक है। अगर आपको वीडियो लाइव करनी है एजुकेशन के लिए, तो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि वीडियो लाइव कैसे करते हैं। और अगर आपको काइन मास्टर का बॉटम आउट रिमूव करना है बिल्कुल फ्री में, तो वो भी हम नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे कि आप काइन मास्टर का बॉटम मार के जो रिमूव कैसे करें। तो हम सेटअप पर चलते हैं और सेटअप पर आपको पूरी चीज़ बताते हैं कि ट्राईपोड माइक कैसा ले रखा है हमने, और वहाँ पर आप पूरी चीज़ें देख लीजिएगा किस प्रकार से हमने सेटअप कर रखा है। तो फ्रेंड्स, आपके पास जो माइक होना चाहिए वो सबसे बेस्ट माइक होता है बोया माइक। अगर आप कोई दूसरा भी परचेज कर सकते हैं, लेकिन आप बोया माइक ही खरीदे अगर आप एजुकेशन वीडियो बनाते हो तो बोया माइक ऐसा होता है, ये 3-4 तरीके के आते हैं। तो ये 700 रुपये का भी आता है और 1500 रुपये वाले भी आता है। तो मैंने जो M1 माइक लिया था जो 1500 रुपये का था, तो आप अगर आप बाय करना है आपको तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहाँ से बाय कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, सेकंड होना चाहिए आपके पास ट्राईपोड। तो मैं ट्राईपोड बता देता हूँ आपको, ये डिजिटेक का ट्राईपोड है और सबसे बेस्ट ट्राईपोड है ये। क्या आप जो इसकी प्राइस है 1300-1400 रुपये का ट्राईपोड है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से बाय कर सकते हो। तो जो इसका ये माइक ट्राईपोड है वो थोड़ा हार्ड है, ये देखो, और ट्राईपोड से सबसे बेस्ट आता है। और आपको अगर ट्राईपोड परचेज करना है तो डिजिटेक का ही करें, इसकी लंबाई भी बहुत ज़्यादा रहती है। तो आपको ट्राईपोड के ऊपर क्या करना है, ये जो मोबाइल का क्लिप है आपका, ये भी होना चाहिए आपके पास में। जो मोबाइल से शूट करेंगे तो ये कि इसकी ज़रूर आवश्यकता पड़ेगी आपको। तो क्या करना है, इसको जो ये आपको जो पिन दिख रही है यहाँ पे, इसको ऑन करना है, ओपन करना है और इसको निकाल लेना है। और यहाँ पे जो पीछे का बैग दिख रहा है आपको, ये पिन है, उसको खोल लेना है और यहाँ पे इसको ये लगा देना है यहाँ पे, और इसको पीछे से वापस क्लोज कर देना है। तो मैं इसको जुड़ देता हूँ। और इसको वापस इसी में फिट कर देना है, ये मैंने फिट कर दिया। और इसको यहाँ से टाइट कर देता हूँ। ये जो डिजिटेक ट्राईपोड में ये घुमाने का रहता है पीछे, ये गोल वाला, और ये ऊपर नीचे करने का होता है। तो मैं इसको टाइट कर देता हूँ इस क्लिप को,
ये टाइट कर दिया मैंने और इसको भी जुड़ देता हूँ मैं। तो आपके हिसाब से ऊपर और नीचे कर सकते हो इसे, तो मैं बिल्कुल बीचों बीच कर देता हूँ। तो आपने माइक देख लिया, ट्राइपॉड देख लिया, अब आपको बताते लाइटिंग। तो आपके पास लाइटिंग कौन सी होनी चाहिए? हमने अभी ऐसी लाइटिंग लगा रखी है। तो जो आप लाइटिंग देख रहे हैं, मैंने ऐसे LED लगा रखी है, 50-50 वोल्ट की दो लाइटें, और जो बोर्ड है उसके जस्ट सामने लाइट रहनी चाहिए। तो आप अगर आपका जो रूम अगर अंदर है तो आप लाइटिंग की जरूर आवश्यकता पड़ेगी। आपके पास होना चाहिए बोर्ड, एक बोर्ड आपके अनुसार आप देख सकते हैं कितनी बड़ी साइज होनी चाहिए बोर्ड की। हमारा 6x4 का है, 6x3 का साइज ऐसा बोर्ड है जो करीब 1500 रुपये में आया था। इसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, अगर आपको बाय करना है तो आप वहाँ से जाके खरीद सकते हैं। हमारे रूम में जो है भारी से बगल में ही खिड़की है, तो बगल से बिल्कुल नेचुरल लाइट आ रही है, तो इसलिए हमें लाइट की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और हमारे पास और कुछ भी नहीं है, तो आपको जो वीडियो की क्वालिटी है वो भी बताएंगे आपको कि आपकी वीडियो वो हमारी जो वीडियो क्वालिटी वो किस प्रकार आती है, कैसी क्वालिटी, तो आप वीडियो क्वालिटी देख लीजिएगा। तो आपने देखा कि आपके पास बोर्ड, ट्राइपॉड, माइक और नॉर्मल लाइटिंग होनी चाहिए, और जो नेचुरल लाइट है वो खिड़की के अगर बगल में लगाओ बोर्ड तो और सबसे बेस्ट है। तो फ्रेंड्स, हमारे पास एक मोबाइल है, मोबाइल आपके अनुसार कोई सा भी ले सकते हैं जो मोबाइल आपके पास हो। तो हम जो अभी स्काई एजुकेशन अब की जो वीडियो है वो रेडमी नोट 9 MX से करते हैं, तो वो मोबाइल है। तो मैं अभी ये वाला मोबाइल लगा के बता देता हूँ कौन सा लगा दे। तो आपको क्या करना है, इसे यूँ लगाना है और इसे ऊपर खींच लेना है, ये मोबाइल लग गया। तो गाइज, आपको क्या करना है, जो प्ले स्टोर से आपको ओपन कैमरा डाउनलोड कर देना है। तो आपको ओपन की जो वीडियो अपलोड करते हो उसमें ओपन कैमरा सबसे बेस्ट होता है, इसमें माइक भी कनेक्ट हो जाता है। तो मैंने ये ओपन कैमरा आपको दिख रहा होगा इंटरफेस, ये ऐप है, तो मैंने इसको क्लिक कर देता हूँ। मैंने पहले ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया है, जो आपको ये प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। इसके बाद आपको सेटिंग क्या रखनी है, तो सेटिंग यहाँ से जो दिख रहा है आपको, सेटिंग इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में यहाँ नीचे आना आपको, और जो आपको वीडियो सेटिंग दिख रही है उस पर क्लिक कर देना है। तो मैं वीडियो सेटिंग पर क्लिक कर देता हूँ। फिर उसके बाद क्या करना है, आपको नीचे नीचे आना है ऑडियो सोर्स से, ऑडियो सोर्स से आपको एक्सटर्नल माइक कर देना है, इससे माइक कनेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे एक्सटर्नल माइक कर देना है, ठीक है, मैंने इसको बैक कर दिया। और वीडियो शूट करने पर आपको यहाँ पे सेटिंग, ये जो आपको दिख रहा है ब्राइटनेसन का, तो यहाँ से आप ब्राइटनेसन बढ़ा सकते हो। मैंने यहाँ क्लिक किया, तो यहाँ से आप ब्राइटनेस कितनी बढ़ा सकते हो आप, और इसे फिर बाद में आपको यहाँ पे लॉक का ऑप्शन आता है, इसे लॉक कर देना है, ठीक है, ये लॉक हो गया। उसके बाद आपको जो वीडियो शूट है वो वीडियो शूट कर सकते हो आप। तो यहाँ से जो ब्राइटनेस बढ़ा के यहाँ वीडियो शूट कर सकते हो, मैंने ब्राइटनेस बढ़ा ली है, आपके अनुसार बढ़ा लीजिएगा और लॉक कर दीजिएगा यहाँ पे, ये लॉक कर दी मैंने, ठीक है। तो यहाँ से आप वीडियो बना, मैं वीडियो की क्वालिटी आपको भी बता रहा हूँ कि कैसी क्वालिटी आती है, ठीक है। तो गाइस, जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने ट्राइपॉड पे मोबाइल रख दिया अभी, तो ऐसे मोबाइल रख के और माइक लगा के, अभी मैंने माइक जो मेरे शूट हो रहा है मोबाइल उसी में शूट करके उसी में माइक लगा रखा है मैंने। तो आप ऐसे ट्राइपॉड पे माइक रख लीजिए, वो ट्राइपॉड पे मोबाइल रख लीजिएगा, और इस तरह से वीडियो शूट होती है हमारी। तो जो स्काई एजुकेशन में हम वीडियो शूट करते हैं उसकी आपको वीडियो दिखा देता हूँ कितनी क्वालिटी आती है। और सेम कंडीशन, सेम सिचुएशन रखते हैं हम बिल्कुल, ना तो लाइट यूज करते हैं, सिर्फ ओनली नेचुरल लाइट यूज करते हैं, और जो माइक है वो कनेक्ट करते हैं। तो आपको वीडियो दिखा देता हूँ मैं। पटल, ये झिल्ली नुमा आकृति होती है, जिसे हमारे प्याज होता है, प्याज में परत, एक परत के ऊपर दूसरी परत के ऊपर तीसरी परत, ऐसे परत। ने देखा कि ट्राइपॉड में मोबाइल कैसे रखना है, माइक कैसे कनेक्ट करना है, और ओपन कैमरा सेटिंग कैसे यूज करनी है, सब देख लिया आपने। आपके पास ये सब चीज़ें होनी चाहिए, जबकि आपकी सबसे बेस्ट क्वालिटी आएगी। अब आपको ये है कि वीडियो अपलोड करनी है या लाइव करनी है। अगर आपको वीडियो लाइव करना है तो लाइव की मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा आपको। और अगर आप वीडियो अपलोड करते हैं तो काइनमास्टर ऐप यूज करा करो, या पावर डायरेक्टर। मैं अभी काइनमास्टर ऐप यूज करता हूँ वीडियो अपलोड करता हूँ तब। तो जो मैंने अभी वीडियो एडिट करी वो भी मैंने काइनमास्टर से करी है, और जो एजुकेशन वीडियो एडिट करते हैं वो भी काइनमास्टर से ही करते हैं। तो जो मैं उसका पूरी वीडियो का ट्यूटोरियल है काइनमास्टर से एडिट कैसे करें, तो वो भी आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करिएगा, हम आपका जरूर रिप्लाई करेंगे। और आपको कुछ भी पूछना है आगे, लाइव वीडियो कैसे करना है, एडिट कैसे करना है, तो आगे आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दिया जाएगा। तो वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर करें। थैंक यू माय वाचिंग वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल।